अभिजीत बच्चे मुझे होस्ट बना दो। अभिजीत मेक मी होस्ट। ओके, परसेंटेज यील्ड, इसका मतलब क्या है? सपोज करो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि मेरे पास CaCO3 है, ठीक है, वो डीकम्पोज कर रहा है, तो गिव CaO प्लस CO2, ठीक है, एंड दे हैव टोल्ड मी कि मेरे पास 400 ग्राम एट टाइम t=0 पे 400 ग्राम CaCO3 है, और इस रिएक्शन का जो यील्ड है ना, दैट इज 80%। कितना? 80%। इसका मतलब ये है कि जितना CO2 बनना चाहिए था, जितना CaO बनना चाहिए था, वो 100% रिएक्शन में जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा, उसका 80% बन रहा है। कितना बन रहा है? 80%। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, इसको कहते हैं परसेंटेज यील्ड, द अमाउंट ऑफ द नेट अमाउंट ऑफ रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। सपोज मुझे लगता है कि 100% रिएक्शन होगी, बट 100% रिएक्शन ना होके 80% हो रहा है, तो जो भी बनेगा वो जितना बन रहा होगा उसका 80% ही बनेगा। यस सर, राइट। तो एक बात बताओ, कितने मोल्स हैं CaCO3 के? 4 मोल, राइट। एट टाइम t=0 आई हैव स्टार्टेड विद 4 मोल्स। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड। अब एक मोल दे रहा है, तो 4 मोल, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के देंगे? 4। हाँ, 4 देंगे, ये तब देना चाहिए था जब रिएक्शन कितना हो रहा था? 100%। बट हो कितना रहा? 80। तो कितना बनेगा? 80% होता है। डन। तो कितना आएगा ये? राइट। तो 4 का 80% कितना हुआ? 3.2 मोल। अब 3.2 मोल्स में कितना वेट CO2 का आया? 3.2 × 44 कितना आया? 140.8। तो ऑब्वियसली मास का भी 80% ही होगा ना, जब पूरी रिएक्शन का 80% है, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स का लूं या मास का लूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ओवरऑल 80% ही रिएक्ट कर रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चाहे 80% इसका लूं, चाहे 80% इसका लूं, बात एक ही है। अब खुद सोचना, अगर 400 ग्राम रिएक्ट कर रहा था पूरा, देखो 100 ग्राम रिएक्ट करेगा तो 56 ग्राम बनेगा और 44 ग्राम बनेगा। अगर 400 ग्राम रिएक्ट करेगा तो 56 × 4 बनना चाहिए था और 44 × 4 बनना चाहिए था, करेक्ट? यस सर। यस। तो उसका 80% कितना हो जाएगा? × 80/100। तो चाहे मैं मास के साथ करूं, चाहे नंबर ऑफ मोल्स के साथ करूं, बात तो एक ही है ना। यस सर। यस सर। राइट, जस्ट कॉपी इट फास्ट। सर सर, लैग हो गया था प्लीज। सर, हेलो सर,
सर Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. हाँ बेटा. सर मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम था, फिर से एक्सप्लेन करोगे प्लीज? हाँ बेटा. हाँ. मैंने कहा कि परसेंटेज कहाँ से प्रॉब्लम आया है? अरे मतलब कहाँ से तुमने कनेक्शन प्रॉब्लम फेस किया, मतलब इस पॉइंट ओवर है? तो आपने कुछ बोला कुछ नहीं समझा, मतलब कनेक्शन प्रॉब्लम था इसलिए. ओके ओके ओके, लिसन, मैंने बोला परसेंटेज यील्ड का मतलब समझो, ठीक है? मैंने कहा कि किसी भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड सपोज 80% दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने एक रिएक्शन लिखा CaCO3 CaO2 देता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक मोल CaCO3, एक मोल CaO और एक मोल CO2 दे रहा है, करेक्ट? यस. तो मैंने कहा मैंने 400 ग्राम लिया हुआ है CaCO3, तो 400 ग्राम में कितने मोल्स हो गए? 400 by 100, 4, राइट? यस सर. 400 ग्राम दे रखा है, तो 100 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 4. 4, यस. हाँ, तो एक मोल और एक मोल देता, तो चार मोल देंगे आइडियली. यस. बट जब रिएक्शन ही 80% हुआ, तो चार मोल का कितना बनेगा? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? जब रिएक्शन 100% होता तो चार बनता, राइट? बेटा एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर, यू आर ऑडिबल. वेरी गुड, बट शी इज नॉट देयर. नो, ओके. सर ऐसा क्यों होता है पर 80% ही रिएक्ट कर? अच्छा, वन सेकेंड, गिव मी अ मिनट. हाँ सर, लैग हो गया वीडियो. हाँ अरे रुको ना, जो लैग हुआ. अरे बेटा वो मैं चैट देख रहा हूँ तो लैग होगा ही ना. अच्छा सुनो, किस किस स्टूडेंट को इसमें अभी भी डाउट है, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. एंड सेकंड थिंग, तुमने कहा कि कैसे पॉसिबल है कि 80% रिएक्ट कर रहा है, करेक्ट? हेलो. यस सर. ठीक, चक्कर क्या है, देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन व्हिच रिएक्शन डिपेंड. देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन व्हिच रिएक्शन डिपेंड. आइडियली हर एक रिएक्शन 100% होनी चाहिए. बट अगर सपोज करो कोई इम्प्यूरिटी आ गई या कोई ऑक्साइड लेयर जम गई उसके ऊपर, फर्दर रिएक्शन नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के केस के अंदर होता है कि एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर जम जाती है, तो फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता. सुना है कभी ऐसा? यस सर. सपोज मैंने पूरा मेटल का पीस एक
सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, मेटल का सरफेस रिएक्ट कर गया, अंदर वाला सॉल्यूशन, अंदर वाला मेटल रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या मैं उसको पूरी रिएक्शन बोलूंगा या पार्शियल रिएक्शन बोलूंगा? पार्शियल। हाँ, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स बाय व्हिच रिएक्शन कैन बी पार्शियल। अरे वॉइस नहीं आ रही क्या? अरे यहाँ पे एक बच्चा जिसको आवाज नहीं आ रही है। One second, I'll just write down. I can't hear you. I guess. SS018. कहाँ है हीरा? वन सेकेंड, ओके। हो यार क्या चल रहा है? सर एक डाउट पूछना था। हाँ बेटा, वेपर डेंसिटी क्या होता है? देखो वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय टू, मतलब वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी स्पीशीज डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट विद हाइड्रोजन, ठीक है, इसे वेपर डेंसिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का दो होता है ना, तो सपोज वाटर का वेट 18 ग्राम है डिवाइड बाय 2 ग्राम ले लिया, तो वेपर डेंसिटी 9 होगा, जो यूनिट लेस होगा बिकॉज ग्राम ग्राम कैंसिल। Okay, right? Yeah. Listen, एक काम करते हैं, I'll explain you percentage yield by some other question also, right? Sir, up this now. Yes. Everyone. Yes, sir. रुको सर। कौन सा पार्ट? सर लास्ट पार्ट। वे ठीक है। Yes, sir. Okay. Okay. समझना सुनना, एक रिएक्शन देते हैं, ठीक है, जिसमें NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बना रहा है, ठीक है, उसके बाद प्लस वाटर, उसके बाद Na2SO4 कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके NaCl बना रहा है प्लस कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, फिर काफी है, ठीक है। लेट्स से इन्होंने बोला कि इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 80% है और इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 60% है। क्वेश्चन समझ में आया? नाउ लिसन, दे हैव गिवन मी सर्टेन डेटा, डेटा को समझ लो। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आगे बढ़ोगे, राइट? अब सुनो, मुझे दे रखा है 2 molar 100 ml of NaOH, it is reacting with 3 molar or make it like 1.5 molar 100 ml H2SO4. वो मुझसे पूछ रहा है कि NaCl का वेट कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो Na2SO4 यहां प्रोड्यूस हुआ वो यहां पर रिएक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? यस। अब सुनो दो चीजें, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद क्या कहते हैं, चेक करो कि लिमिटिंग रीजन कौन सा, बिकॉज दो डेटा दे रखे हैं, राइट? राइट, यस। दूसरी चीज, एक और चीज सुन लो,
जब मोलारिटी और वॉल्यूम और एमएल में दे रखा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स के साथ खेलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलोगे? मिलीमोल्स। हाँ मिलीमोल्स के साथ खेलो, ठीक है। चलो सॉल्व करो, स्टार्ट करो। दोनों रिएक्शन बैलेंस करी? यस सर। चलो यस सर, हो गया। कैन यू राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स? बोलना नहीं, आंसर जरूर लिखो चैट बॉक्स में। ओके 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 तो मुझे बताओ कि पहले वाले रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रीजन कौन सा है? सबको NaOH आया? अच्छा चलो ठीक है, नाइस 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 नाइस। अच्छा कितने मिली मोल्स NaOH के? 200। तो कितने मिली मोल्स Na2SO4 के बनने चाहिए? 100% हो तो 100% हो तो 100, और अगर 80% हो तो 80, right? चलो सुनो, बैलेंस करते हैं दो दो, बैलेंस करते हैं दो, डन, राइट। मेरे पास 200 मिलीमोल्स NaOH के एंड 150 मिलीमोल्स H2SO4 के, राइट। अब दो मोल एक मोल बना रहा है, पहले तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, ऑब्वियसली ये कम आएगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ देखा जाए जब रिएक्शन हो रही है तो दो मोल एक मोल बना रहा है, तो 200 मिलीमोल्स कितने बनाने चाहिए? 100 मिलीमोल्स आइडियली, राइट। अब आइडियली 100 आना चाहिए, यील्ड कितना है 80%, तो आएगा कितना 80% ऑफ 100, दैट इज
80, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मैंने 80 मोल से स्टार्ट किया, मुझे पता है एक मोल से ना दो मोल आते हैं, तो 80 मिली मोल्स कितने मिली मोल्स देंगे? 160 मिली मोल्स. 160 देंगे, बट परसेंटेज यील्ड कितना है? 60%. ठीक है, तो आने चाहिए थे 160 मिली मोल, क्योंकि परसेंटेज यील्ड 60% है, तो 160 मिली मोल्स का 60% आया लाइक दिस. Then I'll be getting 96 millimoles. Agreed? Yes, sir. अगर yes, मेरे पास 96 millimoles आए, तो NaCl का मास कितना होता है? मॉलिक्यूल मास कितना है? 58.5. ठीक है, ठीक है, तो वेट ऑफ NaCl 96 into 58.5. हाँ, तो कितना मिलीग्राम आएगा? बिकॉज मिलीमोल्स को मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीग्राम में आता है मास. 5616 5.616 5.6 ग्राम. एग्री? यस सर. वेरी गुड. एक और क्वेश्चन दो. यस सर. Okay. Let's say MgOH whole twice plus H3PO4 gives Mg3PO4 whole twice plus H2O. इस रिएक्शन का तो परसेंटेज यील्ड है ना, दैट इज 80%. कितना? राइट. अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस हैज बीन प्रोड्यूस्ड. वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमजी. अरे सर बहुत या एग्जैक्टली. अभी ठीक है? यस सर. मैंने कहा 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस हैं, बने हैं, तो कितने मोल्स ऑफ MgOH होल ट्वाइस से स्टार्ट किया होगा? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. हाँ चलो सॉल्व करो. सर वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 × 10^24 मॉलिक्यूल. सर 24. हाँ ओके सर. ओके
ओके How many? Okay. Okay. Earth balance में किया ना तुमने question? Balance किया sir. Sir number balance of moles find करना है ना? हाँ बेटा number of moles find out करना है. हाँ let me check बेटा. Can you please write it again? I will go to chat box otherwise. Okay. Give me a minute. नहीं ज्यादा आएंगे ज्यादा आएंगे. चेक करो चेक बैलेंस करके करो सारा काम. बिना बैलेंसिंग के नहीं होगा. शुरू करें. पहले तो ये बताओ कितने मोल्स निकाले तुमने यहाँ पे. Mg3PO N. सबको 10 आया इधर. यस सर. यस सर. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रो नंबर 10 मोल आ गया करेक्ट. यस. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. एक बार बताओ ये 10 मोल जो आए ठीक है वो 80% यील्ड के बाद आए. यस सर. अच्छा तो मतलब एक्चुअली में बनने कितने चाहिए थे अगर 80% किसी चीज का इनटू 80 डिवाइड बाय 10 80% उल्टा बोल रहे हो. नहीं नहीं उल्टा बोल रहे हो. इनटू 80% बनने के बाद इतने बने हैं तो इसका 100% कितना होना चाहिए था. मेरा इनटू 100 बाय 80 इनटू 100 बाय 80 12.5 बात समझ में आया. इतना बात इतनी बात समझ में आई कि ये 80% यील्ड के बाद बने हैं तो अगर 100% होता तो कितना बनता. वेरी गुड. 100 बाय 80 इंटू 10 तो कितना आया. 12.5. वेरी गुड वेरी गुड. बस 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 100% यील्ड वाला आ गया. अब मुझे एक बात बताओ बैलेंस करो 3, 2, 6 कोई दिक्कत. नो सर. नो. हाँ तो एक बार बताओ बनने इतने चाहिए थे जब वो 100% है तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. 3 मोल 8 मोल देता है 12.5 मोल कितने मोल्स आए होंगे. करेक्ट. 37.5. ये आंसर किस किस का आया मी लिख के भेजो. एमई सर वो मैं 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था. अरे यू हैव टू पिन योर वीडियो बेटा. हाँ सर मैं भी 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया. 12.5. तो गलत काम करते हो ना. कहा था बैलेंस करो रिएक्शन को. ओके सर बैलेंस कर लेता मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया. ओके हेडपर्सन को भूल गया सर. बैक कैसे आया. सर आ गया था पर श्योर नहीं था आंसर. ओके ओके ओके. अच्छा सुनो 10 कैसे आया मुझे एक बार बताओ. एक मोल के अंदर 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स में होंगे. तो 6.022 × 10²³ / 6.022 × 10²³ तो कितना आया 10. अंडरस्टूड. ऐसे आया 10. डन. अरे कहो. हाँ यस सर. ओके चलो आगे चलते हैं है ना. यस सर. हाँ चलो एक क्वेश्चन दूं और कि आगे चलें नए कॉन्सेप्ट पे. नए कॉन्सेप्ट. एक और क्वेश्चन चाहिए. चलो रुक जाओ देखो अभी.
ओके चलो एक सैंपल है, उस सैंपल का लेट्स से उस सैंपल का जो वेट है ना, इसमें CaCO3 है, बस CaCO3 है ठीक है, और इम्प्यूरिटीज है। CaCO3 ना इस पूरे सैंपल का 80% है, मतलब पूरा सैंपल ले लो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का जो 80% है ना वो CaCO3 है ठीक है। अब इस CaCO3 को मैंने हीट किया ताकि CaO सॉलिड आए और CO2 गैस आए। ये जो CO2 गैस है ना, मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूं ताकि Na2CO3 बने और वाटर निकले। इस रिएक्शन का जो यील्ड है दैट इज 50%, 50% यील्ड है इसका ठीक है। अब ना मुझको ये बताओ कि कितना मास Na2CO3 का बन रहा है, और बेटा बैलेंस के बगैर काम नहीं है ना। तो हाँ सर, मेरा इंटरनेट कट हो गया तो मेरे को कुछ नहीं समझा। किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि मेरे पास सैंपल है जिसमें CaCO3 और इम्प्यूरिटी है, दिख रहा है? उस CaCO3 इम्प्योर सैंपल के अंदर ना 80% CaCO3 है और टोटल वेट सैंपल का 1000 ग्राम है। उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड आया और कार्बन डाइऑक्साइड आया ठीक है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो मैंने यहाँ यूज किया, उसको NaOH के अंदर डाला, Na2CO3 बना। इस पूरी रिएक्शन का जो यील्ड है वो 50% है, तो मुझे ये पता करना है कितना मास Na2CO3 का बना है। हाँ तो बताओ। सॉल्व करो, आई विल बी कमिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉल्व करो। सर हाँ बेटा, सर आप बीच में दिख रहे हो सर, दिख नहीं रहे, जरा साइड में होके आप पॉज करेंगे? एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग बैक हियर। या अभी दिख रहा है सब कुछ? हाँ वो H2O दिख नहीं रहा था, पॉज हो गए थे ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, H2O निकालना नहीं एक्चुअली, क्या निकालना? एनिटिस विद्रे। हाँ चलो निकालो। कितना? कैन राइट इट अगेन?
ओके ओके बेटा 848 का मतलब परसेंटेज यील्ड ट्राई किया तुमने, ऐसे कर दिया जस्ट आस्किंग। वन सिक्सटी एट को चेक करो एक बार, सही है कि नहीं? ओके 124 सही नहीं है बेटा, चेक करो दोबारा। या ठीक है नहीं 62 तो बिल्कुल नहीं, 67 तो नहीं आएगा। नहीं अर्थ, चेक करो दोबारा, 50% का यील्ड है। एक बात बताओ, कितना वेट CaCO3 का लिया तुमने? 800 ग्राम। सबने 800 ग्राम लिखा, बिकॉज 80% 1000 ग्राम का CaCO3 है, करेक्ट? यस सर। ओके या आर्यन, गिव मी अ मिनट, आई विल कम टू दैट पॉइंट। अगर 80% 800 ग्राम हो गया, नहीं बेटा 800 ग्राम हो गया, कितने मोल्स हो गए CaCO3 के? 8 मोल्स। तो अगर मेरे पास 80% 1000 ग्राम का है, तो 800 ग्राम CaCO3 हो गया, डिवाइड बाय 1000 करोगे, 100 करोगे, तो आई विल गेट 8 मोल। तो यार एक मोल और एक मोल देता है, तो 8 मोल देगा, यस सर नो? यस सर। यस सर, करेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे एक बार बताओ, इनिशियल मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 आ गए, एक मोल रिएक्ट करेगा, कितना मोल एनएटू CO3 देता है? एक मोल। बैलेंस किया, ये लो, हो गया। ठीक है, 8 मोल देता है, तो 8 मोल कितना मोल देना चाहिए था? 8 मोल। 8, बट परसेंटेज यील्ड कितना है? 50%। तो कितना आएगा? 50% ऑफ 8? 4 मोल। या तो 4 मोल्स का मास कितना होगा? NaCO3 का मास कितना होता है? 106 प्लस 106, तो कितना आया? 424। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ग्रेट, सर अब दिस नाउ? यस सर। यस सर, वेरी गुड। यस सर, वेरी गुड। Yeah, it's easy. Okay, give me a minute. Next concept, likho POAC. Kya? POAC. Okay, sir. The last concept of your mole chapter. Listen, I have POAC. इसको बोलते हैं principle of atomic conservation. Okay, अब एक बात बताओ, तुम नंबर ऑफ मोल्स बोलो या नंबर बोलो, सपोज करो यार एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, तो एक मोल कितने मोल देगा? 2 मोल।
दो मोल कितने देगा? मतलब मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल सेम है ना, मतलब सेम तरीके से डील करते हो ना? यस तो मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स को सेम तरीके से डील किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, अब ना बचपन में ना मेरे को एक टॉफी बहुत पसंद थी। टॉफी पता है क्या होता? ठीक है, उस टॉफी इज लाइक अ मिंट टॉफी जिसको कॉफी नहीं रे टॉफी, अरे यार टॉफी मतलब चॉकलेट, टॉफी टॉफी नॉट कॉफी राइट। अरे वो शुगर कैंडीज होती है ना? यस सर टॉफी मालूम, टॉफी 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 राइट। तो दैट दिस टॉफी नेम वाज फॉक्स करके आती थी मिंट की, राइट? तो फॉक्स कंपनीज की मिंट की एक टैबलेट होती थी, बहुत अच्छी टैबलेट लगती थी वो। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पैकेट आता था, उसमें हार्डली 30-40 कुछ रहता था। ठीक है, तो आई डू वन थिंग, उसी टॉफीज के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास 100 टॉफीज हैं। कितनी? 100। तो एक फॉक्स वाले पैकेट के अंदर ना सपोज करते हैं 25 टॉफीज हैं। कितनी? 25। तो मैंने कितने फॉक्स वाले पैकेट खरीदे होंगे? चार। एवरीवन एग्री टू इट? यस। चलो अब एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मेरे पास टॉफीज नहीं, मेरे पास ना छोटे पैकेट हैं। हर एक छोटे पैकेट के अंदर ना 5 टॉफीज हैं। कितनी? 5 टॉफीज हैं। और ऐसे करते करते ना मेरे पास 100 पैकेट हैं। कितने? 100। तो मेरे पास 5 टॉफीज वाले 100 छोटे पैकेट हैं। मुझे ना उसको बड़ा पैकेट में कन्वर्ट करना है, तो कितने पैकेट बनेंगे उसमें? 20 पैकेट्स। कितने पैकेट बनाएंगे? 20। कैसे किया? 500 by 25। ना, देखो मैथमेटिकली नहीं, सोच के बताओ तुमने किया कैसे। तुमने 5 टोटल कैंडीज निकाली, उसको डिवाइड बाय 25। मतलब जो भी करो तुमने टोटल नंबर ऑफ कैंडीज सेम रखी ना। आर्यन आर्यन सुनो, मेरे पास एक छोटा पैकेट है कैंडी का जिसमें 5 कैंडीज है, मतलब 5 टॉफीज है। तो इतने छोटे छोटे पैकेट में मेरे पास 100 है। ठीक है, मेरे को उसमें से ना बड़े पैकेट्स बनाने जिसके अंदर 25 टॉफीज है, तो मुझे कितने पैकेट्स मिलेंगे उसके? क्वेश्चन ये था। आर्यन आर्यन बेटा आवाज आ रही है? चलो बहरहाल तुमने क्या किया, 5 टॉफी से कितने पैकेट थे? 100। तो तुमने क्या किया, 500 टॉफी, करेक्ट रंजना, 500 टॉफीज निकाली। ठीक है, उसके बाद बोला अच्छा 25 वाला पैकेट बनाना है, तो 500 by 25 किया, तो तुम्हारे पास 20 टॉफीज, 20 पैकेट है, करेक्ट? यस। तो देखा जाए तुमने क्या किया, 5 × 100 = x × 25, यही किया ना? यस। मतलब तुमने नंबर ऑफ टॉफी सेम रखी, करेक्ट? यस सर। बस पीओएसी भी ऐसा ही कुछ है, सुनो पीओएसी भी कुछ ऐसा ही है। सुनो क्या है, पहले तो एक चीज समझ लो, एक पर्टिकुलर चीज होती है एटॉमिसिटी। क्या होती है एटॉमिसिटी? का मतलब क्या होता है एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C12H22O11। यार एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स कार्बन के? 12। तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल इज 12। मतलब समझे एटॉमिसिटी का? हाँ सर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल। करेक्ट। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 एटम है, तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल इज 12। एक मॉलिक्यूल के अंदर 22 एटम है, तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल इज 22।
एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 एटम है तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी इस इसके अंदर? 11 होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब एक मॉलिक्यूल में 12 एटम्स हैं तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितने मोल्स एटम्स होंगे? 12 मोल। सिंपल है ना, जब एक मॉलिक्यूल में 12 एटम है तो एक मोल के अंदर 12 मोल होंगे, सिंपल। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को इन्होंने बोला मेरे पास 20 मोल्स मॉलिक्यूल के, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने, तो कैसे निकालूं? 20 into 12 बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिसिटी, ये बोल सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने किए? 20 into 12 किया ना, तो कितने हैं? 240 करेक्ट किया ना ऐसा? यस। वेरी गुड, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिसिटी विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, पक्का? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब ना पीओवीसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आराम से यूज करके तुम अगर रिएक्शन बैलेंस भी ना करो ना, फिर भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। कैसे? सुनो, सपोज करो मेरे पास H2C2O4 है जिसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सैलिक, ठीक है। किसी ने मुझे बोला मेरे पास ना लेट्स से 10 मोल्स और मेक इट 6 मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑक्सैलिक एसिड में जितना भी कार्बन है ना, मैं उस कार्बन को यूज कर रहा हूं और मैं उसको यूज करते हुए एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, लेट्स से ग्लूकोज C6H12O6। तो मैंने ऑक्सैलिक एसिड से क्या बनाया? ग्लूकोज। गेटिंग अ पॉइंट? कंडीशन क्या रखी? जितना कार्बन यहां पर है इस ऑक्सैलिक एसिड के अंदर है, उतना ही कार्बन यहां पर है। तो मैंने किसको कंजर्व करवाया? कार्बन को। अच्छा अगर एक बार बताओ, अगर एक पैकेट में 2 टॉफीज हैं और इससे मेरे को बड़ा पैकेट बनाना है जिसमें 6 टॉफीज हैं, तो 6 पैकेट से कितने पैकेट बन पाएंगे? अगर एक पैकेट है जिसमें 2 टॉफीज हैं, ठीक है, वो मेरे पास 6 पैकेट हैं, तो 6 पैकेट के अंदर 2 टॉफीज हैं, मुझे उसमें पैकेट बनाने हैं, एक पैकेट के अंदर 6 टॉफीज हैं, तो मुझे बताओ कितने पैकेट्स बनेंगे? 2। मतलब क्या किया तुमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम को कंजर्व किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स, चलो ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑक्सैलिक एसिड will be equal to number moles of carbon atoms in glucose. Agreed? Guys, yes or no? Yes. So number of moles निकालने का formula क्या? जितने number of moles carbon इतने हैं, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज कंजर्व, राइट? राइट, यस सर, यस सर। सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन? इज 2। तो कितने मोल्स हैं? Six. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम आ गए। एटॉमिसिटी कितनी है? 6। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए? n। तो n क्या आएगा? 2। ऐसे ही किया तुम लोगों ने?
यस सर सिंपल है हाँ सर हाँ इसको मेरे को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है अंडरस्टूड सर कंजर्व से क्या मतलब था कंजर्व का मतलब सेम जितने कार्बन एटम्स यहाँ थे उतने यहाँ पर कंजर्व कंजर्व मतलब सेम ठीक है यस तो लिख लो टाइम कितना लिख लिया सर ओके तो सर अब दिस से यस फॉर गॉड्स सेक से यस एंड प्लीज पुट योरसेल्फ नो सर यस सर यस सर ठीक है लिख लो कोई नहीं लिख लो ओके कोई डाउट किसी को नो सर ओके ग्रेट हाँ नाउ नाउ ओके विरोबी हाँ चल आई विल डू वन थिंग आई एम मेकिंग के फोर एफ ई सी एन सिक्स एक मॉलिक्यूल है के फोर एफ ई सी एन सिक्स मैं ये मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ठीक है किस किस की हेल्प से बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन वन है सपोज इस रिएक्शन वन के अंदर मैंने KOH लिया KOH को यूज कर रहा हूं एंड KOH के अंदर जितना भी पोटेशियम है ना उस पोटेशियम को कंजर्व करके आई एम मेकिंग K4 एफिशिएंट से आप समझना मेरे पास लेट्स से 6.022 इनटू 10 रेज़ टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स KOH के तो मैंने जितना भी पोटेशियम यहाँ था ना उतना ही पोटेशियम यहाँ पे रखा और बीच में मेरे को आयन चाहिए था तो मैंने आयन डाल दिया मुझे कार्बन चाहिए था मैंने कार्बन डाल दिया मैंने नाइट्रोजन चाहिए था मैंने नाइट्रोजन डाल दिया तो सब आपस में रिएक्ट करके फाइनली K4 एफिशिएंसी बन गया करेक्ट उसके बाद दूसरे रिएक्शन मैंने क्या किया आई हैव टेकन Fe2O3 ठीक है Fe2O3 let's say I have taken Fe2O3 as 320 ग्राम इसके अंदर जितना भी आयन है ना इसका इस Fe2O3 के अंदर मैंने पूरा आयन यहां से उठा के ये बना दिया मुझे पोटेशियम चाहिए था मैंने पोटेशियम डाल दिया मुझे कार्बन चाहिए था मैंने कार्बन डाल दिया मुझे नाइट्रोजन चाहिए था मैंने नाइट्रोजन डाल दिया अंडरस्टूड सो व्हाट आई गॉट K4Fe2CN6 Please put yourself on mute. Okay. Now listen. Iron is 56. ठीक है अब थर्ड पे मैंने क्या किया कार्बन था मैंने क्या किया ग्लूकोज लिया C6H12O6 जो कि 5 लीटर
एक मोलर सॉल्यूशन था, उसमें से मैंने जितना भी कार्बन था उसको कंजर्व करवाया और उस कार्बन में से ये बनाया। बीच में आयन चाहिए था, आयन डाल दिया, बीच में नाइट्रोजन चाहिए था, नाइट्रोजन डाल दिया, बीच में पोटेशियम डाल चाहिए था, पोटेशियम डाल दिया, फाइनली ये बन गया। ये तीसरे डिफरेंट पाथवे से बनाया। चौथा पाथवे ठीक है, एक काम करते हैं, चौथे पाथवे के अंदर हमने ले लिया हाइड्रोजन N2H4, ठीक है, ये भाई साहब 44.8 लीटर है STP पे, किस पे? STP N2P पे, सॉरी। तो इसमें से जितना भी नाइट्रोजन था ना, मैंने उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया किस पे? K4Fe6 पे, NTP पे लिया ऑब्वियसली, ठीक है। बीच में पोटेशियम चाहिए था डाल दिया, बीच में नाइट्रोजन चाहिए, सॉरी कार्बन चाहिए था डाल दिया, बीच में आयन चाहिए था डाल दिया, तो फाइनली आई गॉट दिस। बात समझ में आई? मुझे ये पता करना है इससे जितने नंबर ऑफ मोल्स मिले, इससे नंबर ऑफ मोल्स मिले, इससे नंबर ऑफ मोल्स मिले, इससे नंबर ऑफ मोल्स मिले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? क्वेश्चन सुनना, ये क्वेश्चन दिखता खतरनाक है बट है नहीं, इट इज वेरी सिंपल, इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस यू कैन डू इट। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम यहाँ थे उतने मोल्स ऑफ पोटेशियम यहाँ होंगे, तो यहाँ पे POSC लगाओगे पोटेशियम के लिए। यहाँ पे किसके लिए लगाओगे POSC? पोटेशियम के लिए। इधर 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 सेकंड में, सेकंड में Fe से आयन के लिए, और इसमें कार्बन के लिए। अलग अलग रिएक्शन से कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स मिले सबको ऐड करना है। ओके आई गॉट वन आंसर। सर ग्लूकोज के नीचे क्या लिखा है? ग्लूकोज के नीचे 5 लीटर 1 मोलर लिखा है, 5 लीटर 1 मोलर लिखा है। हाँ। 9.5 ओके ओके फाइन, ऐड करके बताओ बेटा, ऐड करके फाइन। निरंजन सही है,
निरंजन इज फाइन करेक्ट. या करेक्ट करेक्ट. हिमानीश दोबारा कैलकुलेट करो. मोहित सही है. निरंजन ठीक है. एम डबल जीरो फोर ठीक है. बट टोटल बताओ टोटल. सो 44.8 के साथ क्या लिखा है? लीटर्स लीटर्स एल आई टी एंड एनटीपी. नीचे नीचे से एनटीपी एनटीपी. नहीं बेटा मानीश दोबारा दोबारा कैलकुलेट करो दोबारा. टोटल मतलब अरे सबका के फॉर एफ सीएन सिक्स ऐड करके टन में. दोबारा दोबारा कैलकुलेट करो. कहीं मिस कर रहे हो कुछ? नहीं अर्थ नहीं मानीश दोबारा. बेटा पीओएसी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो कैलकुलेशन के लिए? अगर लगा रहे हो तो नंबर ऑफ आइटम सही से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो. मनोज नहीं थोड़ा सा गलती है थोड़ा सा हल्का सा. कहीं 0.5 का एरर है. चलो पहले ना सारे लोग ये बताओ सारे हाँ सारे कितने नंबर ऑफ मूव्स निकले पीओएसी? 10 moles. 10 किसी किसी को. अच्छा सही है मनोज. हाँ 10 करेक्ट 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 10 आया. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था अवोगैड्रो मॉलिक्यूल 10 आ गया 10 नंबर ऑफ. तो पीओएसी लगाओ. इसके अंदर पोटेशियम का एटॉमिसिटी कितना? 1. हाँ तो पोटेशियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटॉमिसिटी 1 should be equal to number of moles. इसमें atomicity कितनी? 4. तो number of moles कितने हैं? 2.5. मतलब इस reaction से इसके पास जो number of moles आए that is 2.5 plus right. कितने moles निकले इधर Fe2O3 के? 2 moles. कर दो 2. 320/160 दो मोल निकले. एग्री. आयन का एटॉमिसिटी कितना? 2. तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी शुड बी इक्वल टू एटॉमिसिटी कितना? 1. नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले? 4. तो बस सेकंड रिएक्शन में 4 मोल्स आए. कोई दिक्कत? नो सर. अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले? 5. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर 5. एटॉमिसिटी कितना है? 6. तो नंबर ऑफ मोल्स एटॉमिसिटी शुड बी इक्वल टू एटॉमिसिटी कार्बन का इधर 6. 6 एटम्स हैं कार्बन के पूरे मॉलिक्यूल में इनटू नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5. वेरी गुड. नंबर ऑफ मोल्स कितने इनटू इनटू H4 के? 2. वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना है? 44.8. मोलर वॉल्यूम कितना है एनटीपी पे? 22.4. तो 2 मोल आ जाएंगे करेक्ट. तो एटॉमिसिटी कितना? 2. तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. एटॉमिसिटी कितना नाइट्रोजन का था? 6. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 2/3 0.66 करेक्ट. यस 0.66. तो मेरे पास कितना आया? 12.16. एग्री? यस सर. यस डन. यस हिमानीश कहाँ फंसा था तू? सर मैंने पीओएसी को टोटल नंबर ऑफ मोल समझ लिया था. अरे यार नहीं अभी अभी समझ आया. अच्छा
अच्छा तो वैसे कैलकुलेट करके बता रहा था, 10+2+5+2 ऐसा। वाह शाबाश मेरे शेर, बोला है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स बता, राइट सर? अभी समझ आया। ओ अच्छा चलो ठीक है, हटाओ इसको। यस सर। यस सर। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन करो, ये तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है बाय मिस्टेक बाय चांस? नो सर। अरे यस सर। पीडीएफ है सर, देख सकते हैं सर, पीडीएफ है। अच्छा सुनो, 11th क्लास का पहला चैप्टर है, उसका जो बैक साइड क्वेश्चंस है ना उसको निकालना जरा। अभी नहीं है। अभी नहीं, एक मिनट। अभी है सर। ओके यस है ना, है ना, एक ही बंदा निकाले कोई दिक्कत नहीं, आई वांट वन ओनली। सर निकाल लिया। हाँ लास्ट वाला प्रॉब्लम, पहले चैप्टर का ना लास्ट क्वेश्चंस, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, लास्ट अलग चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो। यस सर, एक्सरसाइजेस उसमें ना। हाँ एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेस के अंदर ना एक वेल्डिंग फ्यूल करके क्वेश्चन लिखा हुआ, थर्ड लास्ट में से थर्ड या सेकंड या फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा, वेल्डिंग फ्यूल करके। अ वेल्डिंग फ्यूल हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन करके। सर मिल गया। मिल गया ना। हाँ बस अभी उसको अपने पास रख, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। हाँ चलो ओके। चलो मेरे पास ना कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट से पहले मैंने कॉपर कार्बोनेट बनाया, कॉपर कार्बोनेट से मैंने CU2O बनाया, CU2O से मैंने CuOH2CuCO3 बनाया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास राइट विद मी आई हैव अराउंड लेट्स से 2 molar 100 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे पता करना है कितने मिली मोल्स ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, तो मुझे बताओ मैंने कंजर्व क्या करवाया, कौन सी चीज है जो कॉमन है जो पूरी की पूरी हो जाए? कॉपर 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 कॉपर। एटॉमिसिटी कितना? अच्छा नंबर ऑफ मोल्स बता जल्दी, 200 मिली मोल्स। मैं किसके 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 बता रहे? मैं CSO4 के मांगे या फाइनल वाले मांगे? फाइनल वाले बताओ। 200 मिली मोल्स। कितने? 100 मिली मोल्स। 100 मिली मोल्स। कैसे किया? जब कॉपर कंजर्व करवाया तो इसमें एटॉमिसिटी ऑफ कॉपर कितना है? 1 1 1 2 मिलीमोल्स। 200। इसके अंदर एटॉमिसिटी कितना है कॉपर का? 2 1 2 2 2। नंबर ऑफ मोल्स सॉरी एटॉमिसिटी दैट इज 1, एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मिलीमोल्स दैट इज 200 शुड बी इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मिलीमोल्स। यस सर। हाँ तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हैं? 100। गेटिंग अ पॉइंट? और अगर इंडिविजुअली रिएक्शन करते रहो ना तो टाइम लगता है ना? यस अंडरस्टूड। चलो आई गेस शैल वी मूव अहेड नाउ? यस सर। यस। ए एवरीवन हैज क्रिस्टल क्लैरिटी हाउ टू सॉल्व पीएवएसी नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ग्रेट। Now, what we'll do? Now I'll be using this. What is that? This question, welding fuel wala. It is not related to POSC, right? It is an altogether different thing.
is empirical formula and molecular formula calculation. Beta, can you tell me the question? Yes, sir. Yeah. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen on. Listen to this. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Carbon and hydrogen only. Again. Burning a small sample. Of it in oxygen. Gives 3.38 grams. Of carbon dioxide. 0.69 grams. 69 grams of water. And no other product. Bhool ja, aur kuch nahi aaya. Aage. A volume of 10 liter. Ek minute. Yes. A volume of 10 liter. At STP. Of this welding gas. Is found to weigh 11.6 grams. To weigh 11.6 grams. Aage. Calculate first. Calculate empirical formula. I'll write down. Empirical formula. Mujhe pata kya kya calculate karna. Molecular formula. Yes, sir. And molecular mass. Molar. वो ही molar mass is molecular mass. चलो म्यूट पे जाओ और सॉल्व करो. It is very nice question based on empirical mass and empirical formula. Just give it a shot. कोई doubt है तो पूछ लो. Disturbance आ रहा है किसी का तो. पता है मुझे तो भी बता रहा हूँ उसको. That's what I'm removing right now. Yeah. तुम्हारे पास 3 minutes है. जल्दी सॉल्व करो. Yeah, you got the answer? Ah. Acha, meri baat suno. Oye, mere lal pilo, hare nilo. Suno. Are sunoge? Yes, sir. Suno. जो सैंपल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आया था, ठीक है, चाहे मैं 1 किलो बर्न करूं, चाहे मैं 1000 किलो बर्न करूं, चाहे मैं 100 ग्राम बर्न करूं, चाहे 200 ग्राम बर्न करूं, जो मास रेशियो वो सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? मास रेशियो सेम रहेगा. अच्छा, और नंबर ऑफ मोल्स रेशियो सेम रहेगा ना. तो सबसे पहला क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मतलब होता है ना, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द एटम्स राइट इन अ मॉलिक्यूल. तो अगर मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो आ जाए तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा. यस सर. यस. किसका रेशियो? नंबर ऑफ मोल्स का. किसका रेशियो? नंबर ऑफ मोल्स का. So empirical formula is defined as the minimum ratio of the number of moles of atom in a molecule, right? So मुझे number of moles calculate करने carbon और hydrogen के, ठीक है? पहला point ये है, पहले उसपे try करो, बाद में देखते हैं.
ओके तुम्हें कार्बन कहां से मिलने वाला है पहले ये बताओ, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कौन देने वाला है तुमको? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वो सुनना, इसकी लैंग्वेज सुनना, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं तो इतना ग्राम वाटर आ रहा है, करेक्ट? मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स रेशियो होगा कार्बन हाइड्रोजन का, या एक किलो में होगा चाहे 100 ग्राम में होगा, सेम ही होगा। यस हाँ, अब मेरी बात सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इतने ग्राम के अंदर? ध्यान से, 3.38 by molecular weight of 44. तो नंबर जेक एक बार बताओ, जितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या होंगे? 3.38 डिवाइड बाय 44, एग्री? यस सर। बात समझ आए? अब बात करो वाटर की, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? 0.69 डिवाइड बाय 18, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। बताओ एक मोल वाटर में कितने मोल हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 0.69 by 2 into 2 मतलब डिवाइड बाय 9। यस यस। अगर मैं इसको इनटू 2 करूंगा तो डिवाइड बाय 9 ही होगा ना? यस सर। प्लीज पुट ऑन मोड, प्लीज पुट ऑन म्यूट, डिस्टरबेंस बहुत है। हाँ प्लीज पुट ऑन म्यूट। देखो 44 को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.07 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो अगेन अप्रोक्सीमेटली 0.07 आएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे हैं तो रेशियो क्या हुआ CNH का? 1:1। ये एम्पिरिकल बात, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। हाँ यस सर। वेरी गुड। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया तो एम्पिरिकल मास कितना हुआ? अगर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ तो एम्पिरिकल मास कितना हुआ? 13 ग्राम। 13 ग्राम हुआ ना, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, कितना हुआ? 13। राइट? यस सर। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर मास कैसे लेके आओगे? सर ये एम्पिरिकल मास है। हाँ बेटा, बिकॉज एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला ना, मिनिमम रेशियो 1:1। हां सर। एम्पिरिकल फॉर्म, एम्पिरिकल मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अबे भोमू पहले ये तो बता कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, तभी तो निकालेगा। एक बार बता, क्या कुछ और डेटा भी दे रखा है ना कि 10 लीटर एसटीपी पे इतना मास, तो एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी पे? 22.7। तो उसका कितना मास होगा? तो उसका कितना मास होगा? एक मोल होता है 22.7 लीटर, तो उसका अगर मेरे को मास मिल जाए तो मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? हाँ yes, तो कितना है, कितना है? 14। अरे 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 सुनो, 10 लीटर का 11.6, तो 1 लीटर का कितना? 11.6 by 10, इतने लीटर का कितना? 11.6 × 10 / 10 × 22.7, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. ये कितने मोल होते हैं 22.7 लीटर? 1 मोल। तो जो मास आया एक मोल का ही आया, तो उसको क्या बोलूं, मॉलिक्यूलर मास बोलूं कि नहीं बोलूं? Yes, sir. Yes, sir. तो अप्रोक्सीमेटली आता है 26 ग्राम, कितना? 26। अब मुझे बताओ तुम्हारा एम्पिरिकल मास है 13, मॉलिक्यूलर मास है 26, तो तुम्हारा मॉलिक्यूल 13 is 2, हाँ, तो तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला से कितना टाइम भारी है? 2 times। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H2। आई गेस यू अंडरस्टूड। यस यस सर। पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ यही क्वेश्चन डंक है, गेटिंग इट? ओके। डन? यस। चलो आई गेस वी शैल वाइंड अप नाउ। यस सर। यस सर।
चैप्टर इज गॉट ओवर ठीक है नाउ इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस वी विल बी डूइंग रिवीजन ठीक है ऑफ दिस चैप्टर बाय बेटा टेक केयर Thank you so much, sir. Bye bye. Yeah, bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye bye. Bye. Yeah, take care. Bye.